हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वेलवेट के सूट के बचे हुए पीसेस से बच्चों के लिए पोंचू बनाना। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वेलवेट की जो शाइनिंग होती है उसके बूट जो होते हैं नीचे की तरफ होने चाहिए। तो इस तरीके से हमें ये फैब्रिक रख लेना है। ये मैंने लास्ट ईयर वेलवेट की कुर्ती सिलनी बताई थी, कटिंग करनी और सिलनी, तो उसमें से ये पीस बचे हुए हैं। 19x19 इंच के दो पीसेस हैं। तो नेक के लिए मैं यहाँ इस कॉर्नर से 3 इंच पे मार्क लगा रही हूँ, सॉरी 3 इंच पे नहीं, इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लेना है और जहाँ पर ऐसे करके 3 इंच आए वहाँ पर हमने मार्क लगा लेना है। अगर आपके बच्चे का हेड बड़ा है तो आप 4-4 इंच पे भी मार्क लगा सकती हैं। तो ये हमने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद देखिए, यहाँ पर हमें एक स्टिच लगा लेनी है, एक स्टिच इधर लगा लेनी है। तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, दोनों तरफ से मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब ये नेक जो है मुझे थोड़ा सा ट्रिम करना है। अब आपके बच्चे पर इस नेक को एक बार डाल के देख लीजिए कि ये छोटा है या बड़ा है। तो मैं इसकी जो शेप है आगे से थोड़ी सी गहरी कर रही हूँ। तो इसके लिए दोनों साइड स्टिच को हमें आपस में मिला लेना है और आगे वाले नेक की गोलाई ज़्यादा कर लेनी है। अब हमें देखिए यहाँ से 2 इंच पे मार्क लगा लेना है और एक लाइन आप लगा लीजिए और 1-1 इंच के गैप पे मार्क लगा लेंगे इधर भी और इस साइड भी 2 इंच अंदर की साइड और 1 इंच के गैप पे मार्क लगा लेने हैं। मार्क लगाने के बाद हमें इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, हमने झालर की कटिंग कर ली है। अब हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। नेक की फिनिशिंग करने से पहले एक बार आप चेक कर लीजिए कि ये पोंचू का जो नेक है वो आपके बच्चे के हेड पे सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो कटिंग कर लीजिए। और इसके बाद ये 1.5 इंच चौड़ी हमें बायस स्ट्रिप लेनी है और सीधी साइड से इसे स्टिच कर लेना है नेक के साथ। देखिए, अब इस बायस स्ट्रिप को हम टर्न करके रॉन्ग साइड की तरफ ले जाएंगे और इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसे मोड़ना है और स्टिच करके इस नेक की फिनिशिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, नेक की फिनिशिंग मैंने कर ली है। अब मेरे पास ये फैब्रिक बटन है जो कि मैं इसके सेंटर पे लगा रही हूँ, या आप इस तरीके का रेडीमेड मोटिफ भी लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं इस पर। तो मैं इन फैब्रिक बटन को ही इसके सेंटर पे फ्रंट साइड वाली साइड पे लगा रही हूँ। तो इसके लिए आपको किस तरीके से सेंटर निकालना है, दोनों साइड स्टिच को ऐसे आप बराबर कर लेंगे, आपस में मिला लीजिए और ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड स्टिच को आपस में मिला लिया। अब हम यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद ये सेंटर आ गया, सेंटर पे हमने मार्क लगा लिया और अब हम इस फैब्रिक बटन को यहाँ पे लगा लेंगे। मार्केट में बहुत ही अच्छे अच्छे डेकोरेटिव बटन मिलते हैं, तो आप कोई भी आपकी चॉइस के अनुसार यहाँ पे लगा सकते हैं। तो
ये देखिए बटन तो मैंने लगा लिए हैं। अगर आप बड़े बच्चे के लिए पोंचू बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल में वो भी देख सकते हैं। तो देखिए ये पोंचू मैंने 10 ईयर ओल्ड गर्ल को पहना के भी दिखा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करना ना भूलिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को एंड तक देखा।